राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ ब्लॉक के ग्राम भोजपुरिया में राष्ट्रीय संत असंग साहेब के प्रवचन से पहले नरसिंहगढ़ जनपद उपाध्याय देवी सिंह गुर्जर ने ग्राम भोजपुरिया में विश्राम गृह पहुंचकर पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया और अपने वाहन से गांव के कथा स्थल पर पहुंचे, जहां संत असंग साहेब ने विधिवत कथा का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि यहां संत असंग साहेब ने कहा कि प्रसन्न रहने से बुद्धि का विकास होता है, ज्यादा सोने व ज्यादा गुस्सा करने से बुद्धि घट जाती है, रोज ठहाका मार कर हंसना चाहिए, तनाव से दूर रहना चाहिए, तनाव से सुंदरता घट जाती है, थोड़ा व्यायाम भी रोज करना चाहिए, पति पत्नी को टेंशन मुक्त होकर दोस्ती की तरह रहना चाहिए, चिंता छोड़कर संतों के संग रहने से बुद्धि का विकास होता है, कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। संत ने कहा कि जो बिना अर्थ के बिना जरूरत के अपना घर छोड़कर फालतू नहीं जाता है, विदुर जी कहते हैं उसके घर में सुख का निवास रहता है। इस मौके पर कथा में राजगढ़ सांसद रोडमल नागरवा नरसिंहगढ़ जनपद उपाध्याय देवी सिंह गुर्जर विशेष तौर पर मौजूद थे। असंग देव जी के प्रवचन सुनने भोजपुरिया सहित आसपास के अन्य गांव से महिला पुरुष सैकड़ों की संख्या में पहुंच रहे हैं। मंडावर से हुकम प्रजापति की रिपोर्ट। असंग साहेब गुरु जी महाराज की आज ग्राम भोजपुरिया क्या छोटा बैरसिया बंजारी नई दिल्ली भोजपुरिया पिपिया धाकर पलासी धनियारी उल्ला बजरंग एवं जो जन जहां से आए हैं सभी का इस कथा में सत्संग में सभी का सहयोग है, आदरणीय गुरु जी ने हमारे क्षेत्र के ऊपर जो कृपा दृष्टि रखी है, गुरु जी को एवं सभी संतजनों को एवं यहाँ के आयोजक करता पूरी समिति को बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव। या नहीं गए हैं इस देश में पड़े हो बाहर पड़े हो, व्यक्ति हाथ ठेला चला रहा है, बैलगाड़ी चला रहा है, रेलगाड़ी चला रहा है, ट्रैक्टर चला रहा है, हवाई जहाज चला रहा है, मजदूर है, किसान है, व्यापारी है, संत है, सन्यासी है, हम सब लोग क्या क्या धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, ये पढ़ा लिखा अनपढ़ सक्षम अक्षम हर व्यक्ति इस भाव को समझता है और जिसको इसी व्यासपीठ ने इन्हीं विद्वानों ने कहा वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, इस वसुधा पर इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, जितने भी जंतु हैं, जितने पेड़ पौधे हैं, जितने पशु पक्षी हैं, जितनी नदियां हैं, जितने पहाड़ हैं, ये वसुधा इसको पर रहने वाला एक परिवार यह एक कुटुंब है, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम।